Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Beauty of Women. आज मैं आपको तकरीबन 5 साल की बेबी का एक टॉप बनाना सिखा रही हूँ, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों चीजें मैं सिखाऊंगी। उसके लिए हमने कपड़ा लिया है, तकरीबन 1 मीटर रेड कपड़ा लिया है, और ये हमारे पास कुछ कपड़ा था जो बचा हुआ था सूट में से, ये एम्ब्रॉयडर्ड है इस तरह ये लिया है। और ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमने पॉम पॉम बनाया है खुद, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ आपको पहले पिछली बार, और ये हम यूज़ करेंगे। और ये लेस है लटकन वाली, ये लगाएंगे और ये रिबन यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह कटिंग होती है और किस तरह। तकरीबन हमने इसकी लेंथ ली है 26 इंचेस, हमारे पास इसकी लेंथ ली है मैंने। ये तकरीबन आप आजकल शॉर्ट फ्रॉक भी चल रहे हैं, शॉर्ट कपड़े भी चल रहे हैं, आप 6 साल 7 साल तक की बच्ची को पहना सकते हैं। और ये हमने मैंने इसकी लेंथ ली है 26 इंचेस, और इसका जो ब्रेथ था वो पूरा मैंने रखा है, जितना के होता है लॉन में या कॉटन में आप ले लें। इसको हम इजीली कटिंग करेंगे, और इससे जो है तकरीबन 4 इंचेस हमने जो है 4 इंचेस मैंने ये वाइट कपड़ा लिया है, और ये 2 पीस कर लिए हैं इसके, मैंने कटिंग कर ली है। और इसकी जो ब्रेथ हमने रखी है वो 10 इंचेस हमने इसकी ब्रेथ रखी है, और इससे जो है हमने तकरीबन 4 इंचेस हमने इससे छोटा इससे शॉर्ट लिया है। और ये इस तरह मोड़ने के बाद हम लेस लगाएंगे, ये वाली ये रखना है यहाँ पर। ये हमने ये कपड़ा लेकर ये देखें, इसको डबल किया हुआ है, और इस तरह लेकर हमें तकरीबन इस तरह रखना है हमें। ये देखें, हमें इस ये वाला ये साइड पकड़ने के बाद जो है, हमें ये वाली साइड पकड़ने के बाद जो है ऊपर की तरफ लेकर आना है। ये समझ लें कि यहाँ से ये वाला जो है हमारा कॉर्नर है, यहाँ से लेकर आना है, और ये चीज हमें इस तरह रखनी है इस तरह, और ये हम रखेंगे तकरीबन 5 इंचेस हम यहाँ से रखेंगे, और यहाँ से जरा सा इस तरह का निशान लगाएंगे, और ये दोबारा यहाँ से ये इस तरह जाएगा, और ये दोनों साइड हमें यहाँ से पकड़नी है, और इस तरह हमें रखकर कटिंग कर लेनी है। अगर आप प्रेस कर लें तो बेहतर है, हाथ से कपड़ा फिसल भी जाता है, लेकिन लॉन और कॉटन जो है आसानी से हम कटिंग कर सकते हैं इसकी। ये हमें वापस मिलाना है, और जो ये बैक है हमें ये चीज भी दो कर लेनी है। ये देखें, हमारी ये पैनल जो है वो कटिंग हो गया है हमारा, और हम अब ये हमारी कटिंग हो गई है, मैं स्टिचिंग भी आपको सिखाऊंगी। ये हमारी स्लीव्स ली है हमने, तकरीबन ये मैंने रखी है, ये हम फुल स्लीव्स बनाएंगे, थोड़ी सी स्टाइल थोड़ा सा स्टाइल देंगे। ये हमारी 13 इंचेस ये हमने रखी है स्लीव्स, और इसका जो ब्रेथ था वो मैंने पूरा रखा है, क्योंकि हम जरा सी खूबसूरत सी बनाना चाह रहे हैं ये आस्तीन। और ये मैं नीचे इसके कफ लगाऊंगी नीचे, ये भी कटिंग कर लिए हैं तकरीबन, ये मैंने लिए है इसकी 9 इंचेस जो है हमने इसकी ये ब्रेथ रखी है 9 इंचेस से ज्यादा, और ये हमने 5 इंचेस हमने इस तरह जो ये लेंथ रखी है हमने, सॉरी ये लेंथ हमने 9 इंचेस रखी है, और ब्रेथ जो है हमने 5 इंचेस रखना है इसका, और ये इस तरह हमने फोल्ड कर ली है, और थोड़ा सा हमने तिरछा इसको कटिंग कर लिया है जरा सा इस तरह। आपको जितनी नीड हो, बच्ची हेल्दी है वीक है, तो आप उसके हिसाब से कम ज्यादा आप खुद अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये डिजाइनिंग बता रही हूँ मैं आपको, और ये हमारी स्लीव्स है जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इस तरह लेना है, और ये कटिंग हमारी हो जाएगी। ये कटिंग हो गई है, हम यहाँ से जरा सी इस तरह कटिंग करेंगे तिरछी में, तकरीबन चल ये हमारी ये कटिंग हो गई। हम यहाँ पर भी थोड़ी सी
ये डालेंगे इस जगह पर और यहाँ पर भी हम डालेंगे इस तरह और ये आस्तीन हम इस तरह बनाएंगे। ये हम लगाएंगे और ये लेस लगाएंगे। अब मैं आपको स्टिचिंग सिखाती हूँ इसकी, थोड़ा थोड़ा काम कर बताऊंगी और आपको बताती भी रहूंगी साथ साथ के किस तरह आपने ये ज्वाइन करना है और किस तरह आपने स्टिचिंग करनी है।
ये हमारे पैनल कटिंग हुए हुए हैं, ये देखें वो सब तैयार कर लिए हैं मैंने, स्लीव्स भी और वो डिज़ाइनिंग भी मैंने बता दी है आपको। और ये हमारे पैनल्स हैं जो हमारे जो ये वाली साइड है, एक तो सीधी साइड होती है और एक ये वाली साइड जो तिरछी साइड है वो हमें यहाँ पर ज्वाइन करनी है। यहाँ से जो है हमें इतना तकरीबन 4 इंचेस जो है हमें यहाँ से जितना हमें नीड है, हमें जितना हमें नेकलाइन रखना है उस हिसाब से जो है हमें यहाँ से ऊपर से मोड़ लेना है। बाद में पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस हिसाब से दोनों में चारों पीसेस में जो है पैनल्स में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर चाहें तो हमारा जो सीधी साइड है इस साइड भी हम जोड़ सकते हैं। आई थिंक यहाँ से अगर कटिंग कर लें तो यहाँ से अगर जोड़ लें तो जो सीधी साइड है हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, ये दोनों साइड से जोड़ सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो इस तरह करें आप। हम सीधी साइड रखते हैं यहाँ पर ज्वाइन करने की, और यहाँ से तकरीबन हम रखते हैं 4 इंचेस रखेंगे हम, इसकी जो नेक डेप्थ है वो हम तकरीबन 4 इंच रखेंगे यहां से। हम ये चारों पीसेस में जो है निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि लगाने में जो है हमें मुश्किल ना हो। यहां पर हम ये लगाएंगे और इस तरह हम रखेंगे, और जो आर्म होल है वो हम बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ से जो है इतनी सिलाई आप लेंगे यहाँ से, और फिर ये चीज़ वाली ये हम बाद में हम स्टिच करेंगे। ये देखें यहाँ मैंने 4 इंचेस जो है हमने ये नेक डेप्थ रखा है, और हम यहाँ से जो है हमने ये ज्वाइन करनी है। ये देखें ये वाली चीज़ यहाँ हमने लेस लगाई है, और यहाँ से हमें इतना जो है हमें स्टिच करनी है। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने यहाँ से ये ज्वाइन कर ली है। अब हमारी जो ये वाली सिलाई हमने जो लगाई है यहाँ पर, हमें जो नेकलाइन है वो हमें किस तरह मोड़ना है। यहाँ से अगर आप चाहें तो पहले पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैंने पाइपिंग नहीं लगाई, यहाँ से डबल सिलाई लगाऊंगी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये फोल्ड करने के बाद हम बैक साइड लेंगे, और बैक जो है हमने ये अभी फोल्ड नहीं की है, पहले हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ से बड़ा हुआ है जितना मोड़ना है, फिर हम यहाँ से ताकि फिनिशिंग आए ये इस तरह मोड़ना है, थोड़ा सा इस तरह कर ये देखें अपनी तरफ रखें और इस तरह सिलाई कर लें। ये देखें व्यूअर्स, ये यहाँ से जुड़ गया है, जुड़ने के बाद जो है मैं यहाँ पर सिलाई करूँगी। ये देखें फिर ये सीधा इस तरह फिनिशिंग आ गई है यहाँ पर। अब ये यहाँ से हम इस तरह जिस तरह हमने पहले किया था इस तरह यहाँ से हम फोल्ड कर स्टिचिंग कर लेंगे।
देखें व्यूअर्स, ये हमारी तैयार हो गया है बैग भी, और ये हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम इसके जो है आर्म होल कटिंग करेंगे, इस तरह मिलाकर जो है हमें आर्म होल कटिंग करने हैं, और वो अपने हिसाब से आप भी कर भी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो जो मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसको ये जो है टॉप, इसके नीचे जो है टाइट्स भी बहुत खूबसूरत लगेगी, जीन्स भी बहुत अच्छी लगेगी। हमें यहाँ से जो है इसके जो शोल्डर हैं वो हमें तकरीबन यहाँ से लेंगे हम 5 इंच करेंगे, हम 5 इंच हम इसके शोल्डर रखेंगे, और आर्म होल की जो डेप्थ है वो हमें रखनी है तकरीबन 6 इंच हम यहाँ से रखेंगे आर्म होल, ताकि खुला रहे। और यहाँ से अगर आप चाहें तो फिटिंग भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसी तरह भी रख सकते हैं, नीचे से भी आप कटिंग करेंगे। अगर हमें यहाँ से ज़रा सी अगर तिरछी इस तरह हम कटिंग करेंगे थोड़ी सी, तो बहुत खूबसूरत शेप आ जाएगी। ये हम यहाँ से करेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ से, आप चाहें तो ये आजकल जो चले हुए हैं उस हिसाब से भी आप इसको छोड़ दें ऐसा ही, या चाहें तो आप थोड़ी सी अगर राउंड में कटिंग कर लेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। इस तरह थोड़ी सी राउंड में हम कटिंग करेंगे, ये देखें ये हो गया। और आप चाहें तो यहाँ लास्टिक भी डाल सकते हैं, साइड के अंदर लास्टिक डालकर और ज्यादा खूबसूरती आ जाएगी। हम थोड़े से फ्रंट से भी जो है आर्म होल की कटिंग करेंगे, देखें थोड़ी सी चिड़ची ये होगी कटिंग। ये हम यहाँ पर, मैं पूरी तैयार देकर आपको बता रही हूँ, हम यहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे जो हमने पॉम्पम बनाया था, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। उसके बाद में ये आस्तीन भी ज्वाइन कर लेंगे, और पूरा तैयार करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारे ये टॉप जो है वो तैयार हो चुका है, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे मैंने लेस लगा दी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और ये देखें आस्तीन भी, और ये इस तरह हमने प्लेट डालकर आस्तीन बनाई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। ये पम पम लगा दिया है हमने जिससे खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है, और ये देखें। और उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आया होगा, हमारी मेहनत जो है ज़ाया नहीं गई होगी। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे ये, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, इसका कंट्रास्ट भी वाइट और रेड का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रखें और खुश रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कुछ सिखाने की कोशिश करूँगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई अच्छी बुरी बात है तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह के आप लोगों को गाइड करूँ और बताऊँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाऊँ, सिखाने की कोशिश भी करूँगी, अपनी अदना से मेरी ये कोशिश है। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आ जाए, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।